धम्मं शरणं गच्छामि
तुतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरगितं कृत्वा अपमादेन शील संपादेतब्बा साधु 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 बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 22 कर्तव्यों का कर्तव्य की प्रतिज्ञा दी है जो आपको मेरे साथ मेरे बाद में ग्रहण करनी है। बावीस धम्म प्रतिज्ञा है। ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानते और ना ही उनकी पूजा करेंगे। राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानते और ना ही कभी उनकी पूजा करेंगे। गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानते और ना ही उनकी पूजा करेंगे। ईश्वर ने कभी अवतार धारण किया है इस बात पर मेरा विश्वास नहीं है। बुद्ध विष्णु का अवतार है इसे कभी भी नहीं मानते। ऐसे प्रचार को झूठा प्रचार समझते हैं। श्राद्ध कभी नहीं करेंगे ना ही कभी पिंडदान करेंगे। बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी विपरीत वर्तन नहीं करेंगे। कोई भी क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करेंगे। सभी मनुष्य एक समान है इस सिद्धांत को मानते हैं। समता की स्थापना के लिए प्रयास करेंगे। बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूर्ण पालन करेंगे। बुद्ध द्वारा उपदेशित
दस पारमिताओं का पूर्ण पालन करेंगे। प्राणी मात्र पर दया करेंगे और उनका लालन पालन करेंगे। चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे। अपने जीवन को बौद्ध धर्म के तीन तत्वों अर्थात प्रज्ञा, शील और करुणा पर जीने का प्रयास करेंगे। मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह से त्याग करते हैं और बुद्ध धर्म का स्वीकार करते हैं। बुद्ध का धर्म ही सद्धर्म है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा नया जन्म हो रहा है। प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से बुद्ध धर्म के अनुसार आचरण करेंगे। अभी दीक्षा समारंभ का कार्यक्रम पूरा हो गया है, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। Address the press here only. I think so. Press conference यहीं होगा, जितने लोग बैठे हैं।